नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुए मतदान के बाद से क्या एग्जिट पोल की स्थिति है और कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है वो जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। हमारे इस एग्जिट पोल जो है दैनिक भास्कर के अनुसार, हमने इस एग्जिट पोल को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान समाप्त होने के बाद लोगों के मन में यही चल रहा है कि आखिर जीत किसकी होगी। ऐसे में दैनिक भास्कर ने मतदान के दौरान वोटरों के सर्वे किया। दैनिक भास्कर के अनुसार जदयू को दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद है। भास्कर की माने तो दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन आखिर में जदयू की जीत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भास्कर की माने तो एनडीए के सभी दल एक साथ चुनाव मैदान में थे, ऐसे में महागठबंधन के अंदर मचे घमासान से उपचुनाव में राजद को नुकसान का सामना करना पड़ा है। बता दें कि इन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने खूब प्रचार किया, हालांकि जदयू ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने भी बिहार सरकार के मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया था और आखिरी समय में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव मैदान में थे। आखिरी दिनों में राजद सुप्रीमो लालू यादव भी चुनाव मैदान में दिखे। बता दें कि 6 साल बाद चुनाव मैदान में पहुंचे लालू यादव को देखने के लिए एक बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ और लालू यादव ने उन्हें नाराज भी नहीं किया। अपने पुराने अंदाज में उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल को देखें तो तारापुर विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की तरफ से राजनीति के सभी दांवपेच अपनाए गए। उन्होंने इस बार तारापुर सीट से वैश्य समाज के उम्मीदवार को यानी कि अरुण साह को टिकट दिया, जिसका असर हम चुनाव प्रचार के दौरान साफ तौर पर देखे। हालांकि वैश्य समाज के लोगों ने खुलकर राजद के पक्ष में मतदान नहीं किया। जदयू को अपने वोटरों को भी बचाकर रखने की काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जदयू ने इस बार कुशवाहा समाज से राजीव कुमार सिंह को टिकट दिया और उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश की। राजद को उम्मीद थी कि वैश्य और यादवों का वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन कांटे के मुकाबले में जदयू जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरे और चौथे स्थान पर कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लें कुशेश्वर स्थान सीट की, तो यहाँ पे राजद पहली बार चुनाव मैदान में थी। इससे पहले यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीटों में से एक मानी जाती रही है। बता दें कि यहाँ पर महादलित और यादव समाज का बहुल रहा है और राजद ने मुसहर समाज से गणेश भारती को टिकट दिया। कांग्रेस के ही पुराने उम्मीदवार अशोक राम के पुत्र अतिरेक कुमार को टिकट दिया था। इस मुकाबले से यह हो गया कि यह त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आखिरी समय की जो स्थिति थी उसमें जदयू का मुकाबला सीधे तौर पे राजद के साथ देखने को मिला। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि क्योंकि पुराने गढ़ रही है ये कांग्रेस की, तो ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। ऐसे में अब जदयू के दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन भूषण हजारी को टिकट देकर सहानुभूति वोट लेने की पूरी कोशिश की। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू की जीत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमन हजारी ने एक दूसरा भावनात्मक कार्ड भी खेला, जिसमें उन्होंने एक पर्चा बनवाया और अपने पिता और माता यानी कि दोनों को खोने का उन्होंने एक संभावना भरा पत्र लिखा और वो पूरी जनता के बीच में उसे जो है सर्कुलेट किया गया। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जदयू जो है भावनात्मक तरीके से कुशेश्वर स्थान में चुनाव मैदान में उतरी थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तारापुर सीट में जीत के लिए जदयू को मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुशेश्वर स्थान पर जदयू जीत की ओर लगातार जो है अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव के अगर हम स्कोर कार्ड को देख लें, तो 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी को 74, जदयू को 43, बीआईपी को 4, हम को 4, महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो यहां पे जो है राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, भाकपा को 2, भाकपा को अगर हम बात कर ले माकपा की तो उसमें उन्हें 2 सीटें मिली थी, ओवैसी की पार्टी जो है उनको 5 और निर्दलीय एक जो सीट जो जीते थे वो जदयू में शामिल हो गए हैं। तो इस हिसाब से जो है अब वर्तमान की स्थिति उसमें निर्दलीय कोई भी नहीं है। तो ऐसे में अब देखना है कि कुछ ही घंटों के बाद जो है इसका पूरा परिणाम ही सामने होगा और ये साफ हो जाएगा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में किसकी जीत होती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जदयू दोनों सीटों पर जीत गई थी, लेकिन आरजेडी ने इस बार जो है कड़ा मुकाबला जदयू को दिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।